जूली गायट ओलांद की जो गर्लफ्रेंड है फ्रांसवा ओलांद और फिल्म माय फैमिली को रिलायंस ने ही फंड किया था। इससे दो सवाल खड़े होते हैं। राफेल डील में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है भारत सरकार ने दिया था रिलायंस का नाम। सरकार ने डील को दो प्राइवेट कंपनियों की डील बताया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया है और ये राहुल गांधी ने अभी इस पर एक ट्वीट भी किया है कि पीएम ने बंद दरवाजों के पीछे खुद राफेल सौदे की बातचीत की है और उसमें बदलाव किए हैं। राहुल गांधी ने फिर क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल को मुनाफा पहुंचाने की जरूरत सरकार की है। राफेल डील से एक बात जो मुझे और आपको समझ में आ रही है वो है कि हमारा देश का जो चौकीदार है वो भागीदार है, यानी कि चोर है, और हम जैसे ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और देश के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खेला जा रहा है, ये जो समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्त पिक्चर बहुत बड़ी है, आपकी सोच से काफ़ी बड़ी है, और समझने की बात रही तो आप हिंदू मुस्लिम की प्रायोजित डिबेट को लिप्स एंड बाउंस यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी देखने का जो आपको अवसर मिलता है और आप उसको गवाते भी नहीं हैं और देखते हैं, उसको देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप IAS बन जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है और आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप YouTube पे ऐसी 10 वीडियो खंगालेंगे तब जाकर के आप कुछ मटेरियल ले पाएंगे जो आप समझ सकें। अच्छा दोस्तों, मैं इस वीडियो का एम रखता हूँ 7500 लाइक्स, देखते हैं अचीव कर पाता हूँ नहीं। पिछली बार रखा 5000, आपने दिए मुझे 40000 से प्लस। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैभव, आप देख रहे हैं INI न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी वेल रिसर्च वीडियोस मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। राफेल का खेल समझने के लिए पहले आप अपने कुछ बेसिक्स को ठीक करो। पहले आप ये वीडियो देखो कि कॉर्पोरेट फंडिंग का खेल क्या है। रिपोर्ट। क्योंकि 2013-14 में कॉर्पोरेट फंडिंग 85,37,00,000 रुपए की होती है। 2014-15 में यानी एन चुनाव के वक्त ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और 1,77,65,00,000 रुपए की कॉर्पोरेट फंडिंग हो जाती है, और चुनाव के बाद अचानक इसमें कमी आ जाती है और सिर्फ 47,50,00,000 रुपए की कॉर्पोरेट फंडिंग होती है। और पिछले बरस इसमें और ज्यादा तेजी आ जाती है और कॉर्पोरेट फंडिंग अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 5,89,38,00,000 रुपए तक की हो जाती है। यानी 2013 से 2017 के बीच कॉर्पोरेट जितना रुपया राजनीतिक दलों को देता है अगर उसे मिला दीजिएगा तो ये 8,99,65,00,000 रुपए हो जाता है। और बीते बरस अज्ञात सोर्स से भी पॉलिटिकल फंडिंग होती है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सिर्फ बीते बरस 7,10,80,00,000 रुपए की फंडिंग हो जाती है और चुनाव आयोग को कोई जानकारी दी ही नहीं जाती कि ये रुपया दिया किसने। जब कंपनियां पॉलिटिकल फंडिंग देती हैं तो जायज सी बात है कि उसके बदले कुछ नहीं बहुत कुछ चाहिए होता है। रिपोर्ट। 16 में कॉर्पोरेट ने 47,50,00,000 रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग की और 2015-16 में ही कॉर्पोरेट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में 28,71,00,000 रुपए की रियायत मिल गई। इसी तरह 2016-17 में कॉर्पोरेट ने 5,89,38,00,000 रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग की और उसे 2016-17 में ही 31,33,48,00,000 रुपए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर रियायत दे दी गई। तो पॉलिटिकल फंडिंग से कई गुना ज्यादा रियायत कॉर्पोरेट को मिलती है, ये सच है, क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल को मुनाफा पहुंचाने की जरूरत सरकार की है और कॉर्पोरेट फंडिंग से चुनाव को महंगा करना राजनीतिक दलों की जरूरत है। महंगा चुनाव लोकतंत्र ना होकर बिजनेस में तब्दील होता है और बिजनेस चुनाव जीत की विसात तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप अनिल अंबानी का ये स्टेटमेंट सुनिए। Given to me by Mr. Nitin Gadkari. When I went and met the Chief Minister, he said, "So you decided to come to Nagpur." He didn't even give me a chance to ask him whether we should come to Nagpur. Please tell me what you need, and everything that you need will be done. Really, a dream come true
when the most advanced combat aircraft like Rafael and the most elegant commercial aircraft like Falcon will be created in the city of Nagpur in Bihar. Anil Bhai, I would like to thank you from bottom of my heart. तो कॉर्पोरेट और सत्ता किस तरह कदम ताल करती है ये आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ इंटर्न रखता है, थोड़ा काम सिखाता है और थोड़ा उसको एक्सपीरियंस होता है, फिर अपने बेनिफिट में उसको यूज करता है। ठीक है, हमारे देश के इस सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को रफाल डील का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसे एक पुर्जे बनाने तक का अनुभव नहीं है और ये एक ऐसी इंटर्नशिप है जैसे कि किसी वेल एस्टेब्लिश वाटर प्यूरीफायर वाली कंपनी को कह दिया जाए कि भैया ये रहा क्रूड ऑयल पकड़ और पेट्रोल और डीजल अब तू बनाएगा, क्या होगा पता है आपको। मीडिया पार्ट फ्रांस नाम के अखबार ने पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद से पूछा है कि रिलायंस को किसने चुना और क्यों चुना, तो फ्रांसवा ओलंद ने बयान दिया है कि हमारे पास पार्टनर चुनने का कोई विकल्प नहीं था, भारत की सरकार ने ही रिलायंस को प्रस्तावित किया, डासो एविएशन ने अंबानी के साथ समझौता किया, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम उस मध्यस्थ के साथ काम कर रहे थे जो हमें दिया गया था, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका संबंध फिल्म जूली गाइये से होगा। रफाल डील का विवाद दो सवालों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है, एक कि रफाल विमान कितने का है, कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए के समय की तुलना में मोदी सरकार ने 1,000 करोड़ ज्यादा देकर खरीदा है, सौदा किया है, इसलिए किया है कि किसी खास उद्योगपति को कई हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया जा सके, ये आरोप है। दूसरा विवाद इस बात को लेकर है कि खास उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए, और राहुल गांधी तो अनिल अंबानी का नाम भी लेते हैं जिसके कारण उन पर मानहानि की गई है उनकी पार्टी पर, वो कहते हैं कि पहुंचाने के लिए पहले डील से कुछ हफ्ते पहले एक नई कंपनी बनाई जाती है, नई कंपनी का विमान निर्माण के संबंध में कोई अनुभव नहीं है, जिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई 30 जैसे विमान बनाए हैं, लड़ाकू विमान बनाए हैं, उसे डील से बाहर कर दिया जाता है। अब बात करता हूं कि जिसे ये रफाल डील मिलने वाली थी, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, पहले आप उसके बारे में जानिए। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को 50 से अधिक विमान बनाने का अनुभव है और कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जिसको इतना अनुभव है। 60 साल पुरानी ये कंपनी की जो डील है वो लास्ट स्टेज में होती है और अचानक से उसको गायब कर दिया जाता है और अनिल अंबानी कंपनी साझीदार बन जाती है, जबकि डील से 2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव HAL के शामिल होने की बात कहते हैं, उसके कुछ दिन पहले डासो एविएशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने रफाल के बारे में बात की है कि हम HAL के चेयरमैन से इस बात पर सहमत हैं कि हम प्रोडक्शन की जिम्मेदारी साझा करेंगे, मैं मानता हूं कि करार अंतिम चरण में है और जल्दी ही इस पर दस्तखत हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि अनिल अंबानी की जो कंपनी की जो एंट्री होती है बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर के होती है। जब अनिल अंबानी के साथ डील फिक्स हो गई है तो रिलायंस को दोबारा से लोन दिया जाएगा और आप सभी को पता है रिलायंस कम्युनिकेशन की हाल क्या हो चुका है, पूरी तरह से डूब गई है और डील से अनिल अंबानी के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, जैसे कि अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया, छोटे उद्योग बड़े और बड़े होते चले गए। लगे हाथ में आपको इस बात से अवगत करा दूं कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर अकेले 1,21,000 करोड़ का बैड लोन है, इस कंपनी को 8,299 करोड़ तो साल का ब्याज देना होता है। अब जो बात आपको नोट करने वाली वो ये है कि जूली गायट ओलांद की जो गर्लफ्रेंड है फ्रांसवा ओलांद और फिल्म माई फैमिली को रिलायंस ने ही फंड किया था। इससे दो सवाल खड़े होते हैं, पहला, रफाल की बिक्री के लिए भारत पहुंचे तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के दौरे के दिन यानी 25 जनवरी 2016 को ही अनिल अंबानी ने फिल्म की फाइनेंसिंग की घोषणा क्यों कर दी, और दूसरा सवाल ये है और सोचने वाली बात ये है कि फ्रांसीसी फिल्म जिसमें ना तो कोई इंडियन एक्टर काम कर रहा है और ना ही भारत में इसको रिलीज करना है और ना ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसमें इतनी रुचि क्यों दिखाई। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं कि रफाल डील आखिर है क्या। मैं आपको बताता हूं कि 126 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने,
रक्षा खरीद परिषद जिसके मुखिया थे तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी कांग्रेस के, उन्होंने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दे दी थी। यहां से बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद पर RFP जारी किया गया। रफाल के सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साल 2012 में रफाल को L1 बिल्डर घोषित किया गया था और इसके मैन्युफैक्चरिंग डसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन हुआ क्या, ये काम रुक गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट और कई मसलों की वजह से साल 2014 तक ये बातचीत अधूरी रही और UPA सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ था। UPA 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए दे रही थी, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक प्लेन की कीमत 1,555 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस की 428 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आपने पक्का बातों को कनेक्ट किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना और अधिक लोगों तक पहुंचाना ताकि वो भी समझ पाए पूरा खेल क्या है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। नमस्कार।